दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे इनको आप तैयार करिए बढ़िया तरीके से और फिर देखिए आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अंतिम क्वेश्चन तक देखेंगे इसको ये क्वेश्चन पेपर जो है दो एग्ज़ाम के लिए है आपका तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको सेक्शन ए जो रीडिंग है यहाँ पर आपको दिया गया है मेक इन इंडिया कैंपेनियन वाज लॉन्च इन न्यू दिल्ली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो यहाँ पर देखो आपको जो है मेक इन इंडिया जो बनाया गया था कैंपेनियन ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा पच्चीस सितंबर दो हज़ार चौदह में इस तरह का ये पैराग्राफ दिया गया है इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं तो जो यहाँ पर आप पैराग्राफ देख रहे हैं इसको अच्छे तरीके से आपको रीड कर लेना है ताकि आप इसको समझ जाओ और इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है वॉट इज द सिंबल ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेनियन तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि जेंट लॉयन हैविंग मैनी व्हील्स इन द सिंबल ऑफ मेक इन इंडिया कंपेनियन ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो पहले का आंसर ये हो जाएगा आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वॉट डज द सिंबल ऑफ मेक इन इंडिया इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है सिंबल तो द सिंबल ऑफ मेक इन इंडिया कंपेनियन इंडिकेट्स करेज स्ट्रेंथ और टेंसिटी एंड विजडम ये सारे के सारे चीजें इंडिकेट करता है ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो दूसरे का क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वॉट विल बी द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेक इन इंडिया हेल्प टू अचीव तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट विल हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ हंड्रेड स्मार्ट सिटीज एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया सी ऑप्शन का ये आंसर हो जाएगा डी जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हु एंड वैन वाज मेक इन इंडिया कंपेनियन लॉन्च इसके द्वारा और कब लॉन्च किया गया था ये द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मेक इन इंडिया कंपेनियन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन इसके बाद जो ई e पोर्शन है इसकी बात करते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेनियन तो कैंपेनियन जो ये मेक इन इंडिया का चलाया गया था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था लक्ष्य क्या था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया कंपेनियन इज टू अनसिक्योर सॉलिड ग्रोथ एंड वैल्यूएबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ टॉप इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे ये भी पैराग्राफ में लिखा गया है नेक्स्ट जो एफ पार्ट है वॉट हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड फॉर द ईजी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ इन्वेस्टर तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द गवर्मेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड ए डेडिकेटेड हेल्प टीम एंड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द जी तो पोर्शन है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पेज विच मींस पहला जो इसमें पूछा गया है द डिजाइनिंग बिल्डिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट यह क्या होता है इसके लिए एक वर्ड आपको बताना है तो इसका होता है एवियशन नेक्स्ट जो है आपका यूज यूज मतलब होता है आपका बहुत विशाल और जेंट मतलब भी बहुत विशाल होता है तो यहाँ पे एच का आंसर ये हो जाएगा और इसी में आई का आंसर ए सेंटर ऑफ एक्टिविटी ए सेंटर ऑफ एक्टिविटी को हम हब कहते हैं तो यहाँ पर जो है आई का आंसर हब हो जाएगा तो इस तरह से इस पैराग्राफ का आंसर हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ये आपका छः नंबर का पैराग्राफ है तो यहाँ पर जो है बोला गया है द रोल ऑफ फ्रेंड्स प्लेज इन आवर लाइफ हैज़ बिकम सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन एट एनी अदर टाइम इन आवर हिस्ट्री तो यहाँ पे आपका रोल ऑफ फ्रेंड के बारे में बताया गया है फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया सब कुछ पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसको आपको आंसर देने हैं छः क्वेश्चन के तो इस तरह का ये पैराग्राफ है जो आप देख रहे हैं अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है द हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल रियलाइज ऑन तो किसके ऊपर डिपेंड करता है द हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल रियलाइज ऑन फ्रेंडशिप तो इसका पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा दूसरा जो क्वेश्चन है हाउ डू फ्रेंडशिप ऑफर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट योर सेल्फ तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड फ्रेंडशिप ऑफर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट यूर सेल्फ बिकॉज ए फ्रेंड कैन रिफ्लेक्ट बैक टू यू हाउ यू कम अक्रॉस द वर्ल्ड आप कैसे जो है पूरी दुनिया से बाहर आ सकते हैं या पूरी दुनिया का सामना कर सकते हैं तो ये सेकेंड का आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी इफ़ वी वांट टू कंटिन्यू फ्रेंडशिप अगर हमें अपना दोस्ती जारी रखना है तो क्या चीज़ उसमें ज़रूरी है तो आंसर हो जाएगा आपका इफ़ वी वांट टू कंटिन्यू फ्रेंडशिप दे नीड द सेम अटेंशन एज द अदर रिलेशनशिप यानी कि जब आप जितने दूसरों दूसरों को महत्व देते हैं उतना ही महत्व अपने दोस्ती को भी देना होगा आपको इसके बाद पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है इसमें चौथा जो, जो प्रश्न पूछा गया है इसमें पूछा गया व्हाट इज फंडामेंटल इन ऑल फ्रेंडशिप फंडामेंटल जो है सार्वभौमिक जो चीज़ें हैं वो क्या है फ्रेंडशिप में तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर कम्युनिकेशन स्किल आर फंडामेंटल्स इन ऑल फ्रेंडशिप फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन बियॉन्ड लिमिट और कंडीशन मतलब किसी लिमिट से या किसी कंडीशन से परे हो जाना तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनल तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर ये हो जाएगा ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा देखने के लिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो सिक्स क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ अनप्लीजेंट फ्रॉम द पैसेज अनप्लीजेंट का जो आंसर हो जाएगा वो होता है अपोजिट बताना है आपको अपोजिट मतलब बिलोम अनप्लीजेंट का हो जाएगा आपका प्लीजेंट तो छठे का आंसर हो जाएगा प्लीजेंट यानी सुहाना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन बी की बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में आपसे पूछा गया सपोज यू आर अनवी स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोनेर एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन राइट ए नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन फोर्टीन नवम्बर टू तो दो हज़ार तेईस को जो सेलिब्रेट करेंगे हम या हमने किया है चिल्ड्रंस डे उसके बारे में आपको जो है नोटिस पब्लिश करना है चार नंबर का क्वेश्चन है इसी में और पार्ट भी है आपका यू आर अरुण यू हैव बीन इन्वाइटेड एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको आमंत्रित किया गया है एम पी एस स्कूल में जयपुर में जो है राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन आपने जो है इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है तो दोनों में से कोई एक करोगे तो आपको चार मार्क्स मिल जाएगा यदि आप चाहते हैं कि इन सभी के आंसर्स जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन इन सभी के आंसर्स आपको चाहिए तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए मैक्सिमम कमेंट करिए ठीक है तो कमेंट जितना ज्यादा आप करेंगे वन थाउजेंड कमेंट जैसे ही पहुंचेगा आपका तो इसके सॉल्यूशंस कंप्लीट दे दिए जाएंगे आपको आगे बढ़ते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है यू आर ए रिपोर्टर ऑफ ए लोकल न्यूज प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन हंड्रेड वर्ड्स ऑन ए बैंक रॉबरी इन यूको बैंक दैट यू विटनेस लास्ट नाइट लास्ट नाइट जब आपने देखा था तो ये रोबरी हुई थी तो आपको ये जो है इसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है इसी में और ऑप्शन भी है राइट ए पैराग्राफ इन हंड्रेड वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द आउटलाइंस गिवेन बिलो यहाँ पे जो है छोटे छोटे आपको आउटलाइंस दिए गए हैं और ये जो इसका पूरा का पूरा सार है क्यूज कॉम्पिटिशन या कॉन्टेस्ट के ऊपर है तो यहाँ पे आउटलाइंस दिए गए हैं जहाँ पे डेट है प्लेस है टाइम है टॉपिक है एलिजिबिलिटी है नंबर ऑफ राउंड्स हैं रिवार्ड है और विनर है इसको आपको इसमें गेन करना है यानी कि इन टॉपिक्स को आपको जरूर दिखाना है इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है यू यूअर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम यानी साफ़ सफाई की वहाँ पर जो उचित व्यवस्था नहीं है एज वेल एज बैड रोड्स और वहाँ पर जो रोड भी हैं सड़कें भी हैं जो खराब है और ड्रेनेज प्रॉब्लम वहाँ पर जो जल निकासी है उसका भी प्रॉब्लम है आपका राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़ पेपर टू टब पब्लिश द न्यूज़ तो इस जो न्यूज़ को है इस समाचार को प्रकाशित करने के लिए आपको लोकल न्यूज़पेपर जो भी है या टाइम्स ऑफ इंडिया यूज़ करें दैनिक भास्कर दैनिक जागरण जो भी आप यूज़ करना चाहें उसको ये लेटर आपको लिखना है सिक्स मार्क्स आपको देगा इसमें और ऑप्शन भी है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं यू आर संजय आदर्श नगर जयपुर यू ऑर्डर ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम एल जी इलेक्ट्रॉनिक है इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है अगला जो सेक्शन सी है यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पूछा गया है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव गिवेन इन द ब्रैकेट तो यहाँ पर जो है आई नो राधा हर डॉटर इज ए डॉक्टर तो इसको हुआ जो है कनेक्ट करना है तो आई क्या हो जाएगा आई नो राधा डॉटर इज डॉक्टर हर हट जाएगा यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ही वेंट टू अलवर ही स्टेड देयर फॉर ए वीक तो यहाँ पर वेहर से इसको आपको जो है कनेक्ट करना है तो ही वेंट टू अलवर ही स्टे वेयर ही स्टेड फॉर ए वीक यहाँ पे आपका जो है देयर हट जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंसेस इन टू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड तो यहाँ पे आपको पहला जो है ही विल पास्ड ही वर्क वेरी हार्ड तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है और दूसरा जो है इसमें पूछा गया आई हैव मैनी बुक्स आई हैव टू रीड देम ऑल इसको सिंपल सेंटेंस में आपको कवर करना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है चूज वर्ड्स गिवेन इन द ब्रैकेट तो सी डैश सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स तो सी पुट्स बाई पुट्स बाई मतलब uh, संजोना रखना अपने पास संभालना ठीक है ना तो पुट्स बाई आ जाएगा इसमें तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा पुट्स बाई इसके बाद में द सेकेंड वर्ल्ड डैश इन नाइन तो वर्ल्ड जो है सेकेंड ब्रोक आउट हुआ तो यहाँ पे ब्रोक आउट आ जाएगा ब्रोक अप नहीं आएगा ब्रोक आउट आ जाएगा तो यहाँ पे आपका ब्रोक अप आउट हो जाएगा सही ऑप्शन नेक्स्ट जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम गिवन इन द ब्रेक ब्रैकेट तो यहां पे देखिए डैश ही इज पुअर बट ऑनेस्ट तो यहां पे ऑल दो आएगा आपका ऑप्शन में ऑल दो हालांकि वह है गरीब है लेकिन वो ईमानदार है तो ऑल दो आएगा आपका आंसर में और ही वर्कड हार्ड डैश पास तो ही वर्कड हार्ड टू पास तो टू आ जाएगा इसमें ऑप्शन में नेक्स्ट जो सेक्शन डी है इसमें क्या पूछा गया आपसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज छः नंबर का क्वेश्चन है ये तो यहाँ पर जो है ये आपको दिया है बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल अब इस तरह का पैसेज दिया गया है इस पैरस पैसेज को पढ़ना है एम हेम वाला जो चैप्टर है वहाँ से दिया गया है आपका अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे एम सी क्यू पूछे गए इसका आंसर देना है दैट डे एवरी थिंग एट द स्कूल वॉज सो स्टिल एंड क्वाइट एज तो कैसा था शांति जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है शांत उसके बाद एम हेम एल वॉज वॉकिंग विद ए तो किसके साथ वो वॉक कर रहे थे टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा वॉट वॉज द टीचर वियरिंग तो टीचर ने क्या वियर कर रखा था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट भी था और फील्ड शर्ट भी था और एम्ब्रॉयडेड कैप भी था यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है सही हो जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक ऑन on. तो जो अध्यापक हैं वो इस तरह का ड्रेस कप पहनते हैं तो इंस्पेक्शन में पहनते हैं और प्राइज डे में भी पहनते हैं यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स सीरियस सीरियस का जो पैसेज में से आपको मतलब निकालना है उसका मतलब होता है सोलमन तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द passage इज अपोजिट टू अगली अगली मतलब भद्दा भद्दा का जो है अपोजिट बताना है आपको बिलोम बताना है तो उसका हो जाएगा ब्यूटीफुल ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो ग्यारहवा क्वेश्चन है आंसर द following क्वेश्चन इन अबाउट सिक्सटी वर्ड्स तो यहाँ पर जो है दोनों क्वेश्चन के आंसर में से आपको जो है और ऑप्शन है तो एक ही देना है आपको Mention द हजार्ड ऑफ वर्किंग ग्लास बैंगल इंडस्ट्री लोस्ट स्प्रिंग से आपका क्वेश्चन है ये कि जो ग्लास बैंगल जो चूड़िया बनाने वाली कंपनी होती है इंडस्ट्री होती है उसमें काम करने से क्या क्या जो है प्रॉब्लम होती हैं हजार होती हैं समस्याएं है, होती हैं वो आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर सोशल एंड कल्चर अपलिपमेंट इन चंपारण तो उन्होंने सामाजिक जो है और सामाजिक और कल्चरल अपलिपमेंट के लिए यानी उसको उठाने के लिए जो है चंपारण में क्या किया था आपको बताना है इंडिगो से क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट जो है बारवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया आंसर द फॉलोइंग्स तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया दोनों क्वेश्चन का आंसर देने इसमें और ऑप्शन नहीं है वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज हेट टू इंटरव्यूड मैक्सिमम जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू से क्यों घबराते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन जो इंटरव्यू चैप्टर है वहां से लिया गया है नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया वाई डिड पैडलर एक्सेप्ट एल्डासन तो पैडलर जो था उसने एल्डास का इन्विटेशन क्यों स्वीकार किया था रेड ट्रैप से लिया गया है क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करनी है आपको किसी एक की दोनों में से कोई एक कर लेंगे दोनों में और ऑप्शन भी है आपका तो ये नाव विल काउंट टू ट्वेल्व और दूसरा है आंट्स जेनिफर टाइगर से तो दोनों में से कोई एक ही करोगे आप और इसका संदर्भ सहित व्याख्या कर दोगे आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फोर्टीन नंबर पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सिक्सटी वर्ड्स तो यहाँ पर जो है राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ पोइट्स मदर माई मदर एट सिक्सटी सिक्स से लिया गया है तो उसकी मदर का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है इसी में और ऑप्शन भी है अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स टाइगर आंट जेनिफर ने जो टाइगर का जो कल्पना किया है उसके बारे में आपको बताना है ये चैप्टर है आपका आंट्स जेनिफर्स टाइगर तो इससे आप जो है दोनों में से कोई एक ही करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थर्टी टू ट्वेंटी वर्ड्स में देना है आपको और दोनों के आंसर्स देने हैं लिस्ट द थिंग्स ब्यूटी मैंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से लिया गया है तो इसमें कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीजें बताई गई हैं उसके बारे में आपको बताना है सेकेंड क्वेश्चन है वॉट विल काउंटिंग अप टू ट्वेल्व एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव कीपिंग प्वाइट से लिया गया है चैप्टर से तो दोनों में से दोनों के आंसर आपको देने होंगे तो टू टू मार्क्स फोर मार्क्स मिलेंगे आपको नेक्स्ट जो सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सिक्सटी वर्ड इसमें से आपको केवल एक करना है पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव एनिमी से है ये चैप्टर एनिमी uh, से क्वेश्चन है ये और हु इज मिस्टर लैम्ब वाट डिस ही हैड उसको क्या परेशानी थी या मतलब किस तरह से वो अपंग था वो आपको बताना है ऑन द फेस ऑफ इट्स चैप्टर से ये लिया गया है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं जैसे मैंने बताया आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है कमेंट आप कमेंट सेक्शन में करते हैं जैसे ही आपके कमेंट रीच कर जाएंगे वन थाउजेंड मैक्सीम शेयर करेंगे ऑटोमेटिकली जो है ये आपके कमेंट जो है मैक्सिमम रीच कर जाएंगे और जैसे ही कमेंट रीच करते हैं वन थाउजेंड कमेंट के आसपास आते हैं तो हम आपको जो है इसका पूरा का पीडीएफ सॉल्यूशन दे देंगे और जिसको आप तैयार कर सकते हैं पूरा का पूरा मोस्ट वायरल क्वेश्चन पेपर है ये जिसको आप तैयार कर रहे हैं सत्रवा जो क्वेश्चन है इसमें आपको बीस से तीस शब्दों में जो है इसका आंसर देने हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द टाइगर किंग वाई डिड ही गेट दैट नेम तो टाइगर किंग कौन था उसको ये नाम कैसे मिला ये आपको बताना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाट द थर्ड लेवल रेफर्स टू तीसरा लेवल जो है वो किसको व्यक्त करता है ये आपको बताना है थर्ड लेवल चैप्टर से है ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव तो यहाँ पे आपका अंतिम प्रश्न है यहां पर पूछा गया है वर्ड्स रिटर्न ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर्स सोल्जर्स थे उनके कैप के ऊपर कौन सा वर्ड लिखा हुआ था तो उनके कैप के वर्ड आ, कैप के ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ था वो लिखा था यूएस नेवी तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द होम ऑफ नेरेटर्स ग्रांड फादर इज तो नेरेटर के जो ग्रैंडफादर का होम था वो कहाँ से है थर्ड लेवल से लिया गया है क्वेश्चन तो ये था गर्ल्सबर्ग में तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो है व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब यूज टू मेक जेली तो लैम्ब जो है जेली बनाने के लिए क्या करते थे कौन सी चीज को यूज करते थे तो क्रैब एप्पल्स का यूज करते थे जो अपने गार्डन में उगाते थे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सेम वाज ए तो सेम क्या था तो सेम जो है एक साइक्लिस्ट था तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज लॉन्डेड बाई तो ये प्रोग्राम हैड किया था जियो ग्रीन ने डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन टेन ईयर्स तो उसने कितने टेन ईयर्स में जो टाइगर्स मारे थे तो सत्तर मारे थे सेवेंटी जो है इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने जो प्ले लिस्ट आ रही है इसको चेक करिए मैंने हिंदी का वायरल पेपर आपको दे दिया है हिंदी का अगर आपने वायरल पेपर नहीं देखा है तो देख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैनल पे मिल रहे हैं आपको इसको ज़रूर देखिए साथ ही साथ आपने इंग्लिश का देख लिया है इसके अलावा जो मैं सारे सब्जेक्ट्स के आपको दे रहा हूँ हर चीज़ के एम करा रहा हूँ हर चीज़ के मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स दे रहा हूँ तो सारे के सारे पेपर्स देखिए मैं आपको जो देने वाला हूँ उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें शामिल आपको पता होना चाहिए हिंदी है इंग्लिश है हिस्ट्री है ठीक है हिस्ट्री के अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस है ये भी देने वाला हूँ मैं आपको ठीक है जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है इकोनॉमिक्स है इको है चाहे आपके पास फिजिक्स है या फिर आपके पास केमिस्ट्री है या फिर आपके पास इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स बचते हैं जिसमें आपका जियो आता है ज्योग्राफी है या फिर आपका और अदर सब्जेक्ट है जिसमें हम कह सकते हैं आपका ज्योग्राफी है पॉलिटिकल साइंस है हिस्ट्री है और है, आपका अकाउंट्स है अकाउंट्स का भी हम पेपर देने वाले हैं आपको मैथ्स का भी पेपर देने वाले हैं आपको सारे वायरल पेपर्स आपको देने वाले हैं सारे आ गए हैं हमारे पास में तो इन सभी पेपर्स को देने वाले हैं इसके अलावा इंग्लिश का मैंने दे दिया हिंदी साहित्य है इंग्लिश साहित्य है हिंदी लिटरेचर जो है आपका हिंदी लिटरेचर दे देंगे इंग्लिश लिटरेचर दे देंगे आपको ठीक है ये भी दे देंगे आपको उसके अलावा जो है संस्कृत लिटरेचर दे देंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न पत्र कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको आपने एग्जाम में देना है और उसका जो है हमने सोल्यूशन ना दिया वो सभी को देंगे और जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है जितने जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जैसे ही वन थाउजेंड कमेंट किसी वीडियो के रीच होते हैं जैसे ही रीच होंगे इमीडिएट नेक्स्ट डे जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम शेयर करिए ऑटोमेटिकली जो है कमेंट भी मैक्सिमम हो जाएंगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इन सारे प्रश्न पत्रों को आप तैयार करिए सारे के सारे प्रश्न पत्र जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसके एम की सीरीज चल रही है वो अलग से है यहाँ पर जो प्रश्न पत्र दिया जा रहा है इसको तैयार करना ही करना है साथ साथ जो एम की सीरीज चल रही है जो हमने हिंदी का एम करवाया है आपको हंड्रेड एम उसको चेक करिएगा सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जो प्ले आ रही है इसको जरूर चेक करें और इस प्ले को अपने साथ में दूसरे के साथ में साथ ही साथ स्कूल के फ्रेंड के साथ में और अपने जो भी कलीग्स आपके दूसरे फ्रेंड हैं दूसरे स्कूल के उनके साथ में शेयर करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच हैवे अ गुड डे